क्या भविष्य में वापस उनकी पोस्टिंग वहाँ हो सकती है? भविष्य में अगर उनकी पोस्टिंग हो गई तो हमारी पोस्टिंग यहाँ अंदर होगी, तो हमारी पोस्टिंग यहाँ अंदर होगी, तो हमारी पोस्टिंग यहाँ अंदर होगी। अब रही बात मनसे आंदोलन की, सबसे अहम बात है मनसे के आंदोलन की। मनसे ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, मनसे के ठाणे पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव जो 7 घंटा वसईराम महानगर पालिका मुख्यालय में एक लगातार बैठे थे और उन्होंने ये मांग की थी कि गिलसन गोंसालिस को हटाया जाए। मनसे ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन को लेकर आज पब्लिक में ये मैसेज जरूर जा रहा है कि मनसे का आंदोलन सिर्फ एक फुसकी बम था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति नवगर माणिकपुर एच कार्यालय के बाहर। एक बड़ी खबर हम लेके आए हैं, वसई इस प्रभाग समिति कार्यालय के प्रभारी सहायक आयुक्त गिलसन गोंसालिस, उनके खिलाफ जो मामला हुआ था, मनसे का पूरा जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद पिछले गुरुवार को उनको यहाँ से हटाकर वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में कुछ बिठाया गया था, उनको एक बार फिर यहाँ पर बिठा दिया गया है। दरअसल उनको बिठाने का नया आदेश कुछ इस तरह से निकला है कि जो जूना आदेश था पिछले गुरुवार का, उस आदेश को रद्द किया गया है। उस आदेश को रद्द होने के बाद में गिलसन गोंसालिस सीधे यहाँ के प्रभारी सहायक आयुक्त जो पहले थे उसी पद पर रजू हो चुके हैं। और आज हालांकि ये खबर हमको परसों ही मिल चुकी थी, और लेकिन कहीं भी आधिकारिक तौर पर महानगर पालिका का आदेश सामने नहीं आया था, इसके लिए हमने इसको पब्लिश नहीं किया था। आज गिलसन गोंसालिस अपने पद पर रजू हो चुके हैं, अपना कार्यभार जिस तरह से रोजाना का चलता है उस तो कार्यभार वो शुरू कर चुके हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि पिछले 7 दिनों में गिलसन गोंसालिस को जब आदेश था महानगर पालिका विरार मुख्यालय में जाने का, तब भी ये यहीं पर आकर महानगर पालिका के ऊपर सभागृह में बैठते थे। ये खबर सूत्रों से मिली जानकारी है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्र हमारे ऐसे बताते हैं। अब रही बात मनसे आंदोलन की, सबसे अहम बात है मनसे के आंदोलन की। मनसे ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, मनसे के ठाणे पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव जो 7 घंटा वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में एक लगातार बैठे थे और उन्होंने ये मांग की थी कि गिलसन गोंसालिस को हटाया जाए, उनके उस आंदोलन के ऊपर महानगर पालिका तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त ने वो आदेश निकाला था। लेकिन आज 7 दिन भी नहीं बीते और महानगर पालिका प्रभारी सहायक आयुक्त के तौर पर फिर से गिलसन गोंसालिस की नियुक्ति हो गई। अब सवाल यह है कि मनसे का आंदोलन कहाँ गया, उस आंदोलन का क्या फ़ायदा हुआ? जब प्रशासन कोई कुछ सुनता नहीं है तभी लोग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाते हैं, और अगर पॉलिटिकल पार्टी के आंदोलन ही बेकार नकारा साबित हो तो कोई क्या करे। प्रभारी सहायक आयुक्त गिलसन गोंसालिस की जितनी शिकायतें हैं शायद ही महानगर पालिका में दूसरे किसी अधिकारी की उतनी शिकायत होगी, उसके बावजूद महानगर पालिका मुख्यालय के अधिकारियों ने गिलसन गोंसालिस को फर यहाँ पर बिठाकर एक बार यह साबित कर दिया कि तुम कितना भी भ्रष्टाचार करो, हमारे हाथ भी भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं, इसके लिए हम तुम्हारा सहयोग देंगे। ये सिर्फ सीधा सीधा महानगर पालिका मुख्यालय में बैठने वाले अधिकारियों का एक पब्लिक को, जनता को एक सीधा संदेश है। जब इतना मामला हुआ था तो इस तरह से फिर एक अधिकारी की जो कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, इस तरह से नियुक्ति किया जाना कहाँ तक सही है, इसका जवाब महानगर पालिका आयुक्तालय से प्रभारी जो भी वरिष्ठ अधिकारी है वो दे। और फिर से कहूँगा मनसे ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन को लेकर आज पब्लिक में ये मैसेज जरूर जा रहा है कि मनसे का आंदोलन सिर्फ एक फुसकी बम था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों के लिए। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।